जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। अतः बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करे, वेद व्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेद व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना हो गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुँचे। वहाँ के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण करके उस जंगल में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शुकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की गात में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शुकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शुकर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही शुकर को अपने बाण से मराद होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण किया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराते रहे। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकरा कर दो टुकड़े हो गए। जब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे, मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील भी अब वही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति की पुष्प माला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहाँ पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा करी। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी पर भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां आ पहुंची और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन पर बिठाया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शास्त्रों की प्रयोग विधि सीखा और उन अस्त्र शास्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स्य,
तुम चित्र नयन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्र सेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला से निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्र सेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन के बातों से उर्वशी के मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वो अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने एक वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस श्राप के कारण ही अर्जुन एक वर्ष के अज्ञातवास के दौरान ब्रह्मनल्ला बने रहे। इस ब्रह्मनल्ला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को एक वर्ष नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।